सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मोटा बंदर। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं एलजी सुमित्रा। नमस्ते बच्चों, तुमने बंदर का तमाशा तो जरूर देखा होगा। बंदर और बंदरिया लेकर जाता है बंदर वाला, डुक डुक करता टुक टुकी बजाता, अपने गांव में आता है ना बंदर वाला। बंदर की बात से हमें याद आ गई एक कहानी, मोटे बंदर की कहानी। मेरी नानी ने सुनाई थी ये कहानी, तुम सुनोगे? सुनोगे तो कहो हाँ सुनेंगे। गांव से थोड़ी दूर पर थी एक नदी। नदी के किनारे था एक बाग। बाग में रहते थे बहुत से बंदर बंदरिया, बंदरों के छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। बंदर के बच्चे सारे दिन बाग में खेलते रहते, कभी पेड़ पर चढ़ते, कभी नीचे उतरते, कभी टहनी हिलाते, कभी टहनी से लटक जाते, कभी जमीन पर कूद जाते। बंदर के बच्चे खूब मजे लेते थे बाग में। कभी माँ बंदरिया की कमर पर चढ़ते, कभी माँ के पेट से लिपट जाते। तो बच्चों, उस बाग में रहती थी एक बंदरिया रानी। सब बंदर उसका कहना मानते थे, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, कोई किसी को तंग नहीं करता। उन्हीं बंदरों में था एक मोटा बंदर। जानते हो, बंदरों को खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें कहां से मिल जाती थी? ऐसा था बच्चों, जो लोग नदी में नहाते थे वे बंदरों के लिए कुछ न कुछ ले जाते थे। वे बंदरों को केले खिलाते थे, चने खिलाते थे और खिलाते थे मीठा मीठा चूरमा। सब बंदर प्यार से खाते, प्यार से रहते। ये बंदर आदमियों से घबराते नहीं थे और डरते भी नहीं थे। उनके हाथ से उठा उठा कर चने के दाने ले लेते। बच्चों, कौन कौन थे बाग में याद है तुम्हें? बंदर बंदरिया, बंदरों के बच्चे बंदरिया रानी, और हाँ मोटा बंदर। तो उस मोटे बंदर को पता नहीं क्या हुआ, वो सब बच्चों को तंग करने लगा। बच्चों के हाथ से चने छीन लेता, उनके केले छीनकर हड़प जाता, बिना बात बच्चों के चपत लगाता, बच्चों को खेलने नहीं देता, मारता और पीटता। बच्चे उससे घबराने लगे। बच्चों, वे एक दिन रोते रोते आए बंदरिया रानी के पास। बंदरिया रानी ने पुचकार कर पूछा, क्या बात है बच्चों? एक बच्चा बोला, मोटा बंदर खोटा बंदर हमको खूब सताता है, केले और चने के दाने छीन छीन खा जाता है। जब हम नाचें खेले कूदें पकड़ के चपत लगाता है। मोटा बंदर खोटा बंदर हम पर रोब जमाता है, रोज तंग करता है हमको,
सबको रोज रुलाता है। भूखे प्यासे कैसे खेलें, हर बच्चा घबराता है। बच्चों की बात सुनकर रानी को बुरा लगा। वो प्यार से बोली, प्यारे बच्चों, घबराओ मत। हम मोटे बंदर के पास अभी जाते हैं, उसे समझाते हैं। अब वो तुमको तंग नहीं करेगा। बंदरिया रानी ने केले और चने दे दिए बच्चों को। बच्चे खुशी से खाने लगे, खेलने लगे। थोड़ी देर बाद बंदरिया रानी गई मोटे बंदर के पास। मोटा बंदर सो रहा था। उसने मोटे बंदर को जगाया और रानी मोटे बंदर से बोली, मोटे बंदर, मोटे बंदर, बच्चों को क्यों करता तंग? सब बच्चे मुझसे रोते हैं, कैसे खेलें तेरे संग? मोटा बंदर रानी के सामने तो मीठी मीठी बातें करने लगा, झूठ मूठ बहकाने लगा। बोला, मैं बच्चों से करता प्यार, मैं बच्चों का करूं दुलार। उनसे कह दो खेलने आए, जरा नहीं मुझसे घबराए। बंदरिया रानी मोटे बंदर की बात सुनकर खुश हो गई। वो दौड़ी दौड़ी आई बच्चों के पास और बोली, प्यारे बच्चों, मोटा बंदर अब तुमको तंग नहीं करेगा, तुम्हारे केले नहीं छीनेगा, तुम्हें चपत नहीं लगाएगा। अब तुम उससे जरा भी मत घबराओ, जाओ खुश होकर खेलो, प्यार से खेलो। रानी की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए, इधर उधर उछल कूद करने लगे, नाचने लगे, छम 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 कूदने लगे, थम 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 किलकारी भरने लगे, मजे मजे में खेलने लगे। थोड़ी देर तक बंदरिया रानी खेल देखकर खुश हुई, फिर वो आराम करने चली गई। हाँ तो बच्चों, जैसे ही बंदरिया रानी गई, वो शैतान बंदर बच्चों के पास आ गया और लगा बच्चों को तंग करने। उनसे केला छीनकर खा गया। मोटा बंदर किसी की चांटा लगाता, किसी के तमाचा जमाता, ये क्या? सचमुच ये मोटा बंदर बड़ा ही खोटा था, था ना वो बुरा बंदर? बेचारे छोटे छोटे बच्चों को तंग करता था। मोटे बंदर की इन सब बातों से सब बच्चे घबरा गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जब उसने दूर से बंदरिया रानी को आते देखा, तो झट एक पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। छोटे छोटे बच्चे तो पहले से ही डर कर बैठे थे। न शोर, न उछल कूद, न थौल थप्पा। रानी बच्चों को देखकर पूछने लगी, बच्चों चुपचाप क्यों बैठे हो, उदास क्यों हो? घबराओ मत, सब कुछ मुझे बताओ, तुमको किसने तंग किया है? बच्चे चुपचाप बैठे रहे। रानी ने फिर प्यार से पूछा, बोलो बोलो बेटा, बोलो ना, बताओ क्या बात है? एक बंदर का बच्चा बोला, मोटा बंदर, खोटा बंदर, हमको खूब सताता है, केले और चने के दाने छीन छीन खा जाता है, रोज तंग करता है हमको, सबको रोज रुलाता है, जब हम नाचें खेले कूदें पकड़ के चपत लगाता है। मोटा बंदर, खोटा बंदर, हम पर रौब जमाता है, भूखे प्यासे खेलें कैसे, हर बच्चा घबराता है,
मोटा बंदर खोटा बंदर हमको खूब सताता है। रानी समझ गई। मोटे बंदर ने इन सब बच्चों को फिर से तंग किया है, इसीलिए ये बच्चे घबरा रहे हैं। रानी ने बच्चों के आंसू पोंछे, पीठ थपथपाई और बोली, बच्चों तुम मत घबराओ, मेरी बात मान जाओ। जो भी तुमको तंग करेगा वो बंदर अब दंड भरेगा। बंदरिया रानी ने सब बंदरों को अपने पास बुला लिया और वे सब उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां मोटा बंदर छिपकर बैठा था। रानी ने बंदरों की पंचायत बैठा दी। पंचायत में मोटे बंदर को बुलाया गया मगर मोटा बंदर नहीं आया। सब बच्चे चुपचाप पंचायत देख रहे थे। इस बार रानी ने खुद ही मोटे बंदर से कहा, मोटे बंदर नीचे आओ, आकर अपनी बात बताओ। जो बच्चों को तंग करेगा वो बंदर अब दंड भरेगा। मोटा बंदर जोर से बोला, मैं नीचे नहीं आऊंगा, ऊपर मौज उड़ाऊंगा। बच्चों को खूब तंग करूंगा, मैं न किसी का दंड भरूंगा। बंदर की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। सब बंदर भी नाराज हो गए। एक बंदर ने कहा, इस बंदर को टोली से निकाल दो। मोटा बंदर बोला, कैसे निकाल दोगे, मैं पेड़ के ऊपर ही चढ़ा रहूंगा, नीचे नहीं आऊंगा। रानी ने हुक्म दिया, बंदरों पेड़ पर चढ़कर पेड़ को हिलाओ। लदर पदर सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ को जोर से हिलाया, धड़ाम से मोटा बंदर नीचे गिरा। सभी बंदर भी नीचे उतर आए और मोटे बंदर को घेर कर खड़े हो गए। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ? मोटे बंदर के पांव में चोट लग गई थी, खून बहने लगा। बच्चों को मोटे बंदर पर तरस आ गया। हाँ बच्चों, उस पर दया आ गई। एक बच्चा दौड़कर पट्टी ले आया, दूसरा मरहम लाया। बच्चों ने मोटे बंदर के पट्टी बांधी। मोटा बंदर शर्मा रहा था, घबरा भी रहा था। वो रानी से बोला, रानी रानी, मुझे टोली से मत निकालो। मैं टोली से निकल जाऊंगा तो हारी बीमारी में कौन मेरे काम आएगा? मैं कान पकड़ता हूं, अब कभी बच्चों को तंग नहीं करूंगा। रानी बोली, तुम्हें जो भी कहना है इन प्यारे प्यारे बच्चों से कहो। मोटा बंदर बच्चों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने कान पकड़कर बच्चों से कहने लगा, सच्चे बच्चों अच्छे बच्चों, तुम ही अब इंसाफ करो। कभी न तुमको तंग करूंगा, माफ करो भाई माफ करो। छोटे छोटे बच्चों ने उस मोटे बंदर को माफ कर दिया। सब बंदर प्यार से रहने लगे। न कोई किसी को तंग करता, न कोई किसी से घबराता। सब नाचते गाते नदी किनारे मौज उड़ाते। Oh, my God.
तो दोस्तों अब जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।